एक कप चाय ला। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है नूरा। चल रे चाय बना, दूध कम और पानी गैर पूरा। अरे ये क्यों घूर रहा तेरी तरफ नूरा? इसके मुंह पे जाके मार घूरा। अरे मैं तो इसे जक्कत समझ रहा था, यो लिकड़ा पूरा। और मैं नहीं पीता भाई थारी चाय, मेरी बाट देख रहा बुरा। हमने जोड़ रखा रंग का काम, वो पड़ा अधूरा। अरे मैं करना उसे जाके पूरा, और मैं चला। अरे वीरपाल देख, अब तो पुलिस की भी खबर आ रही। हाँ सही कह रहे हो पाल भाई। हाँ, अभी बताऊं, मैडम आई नहीं थी ना, आज अभी नहीं आई। बड़ी नखरोसी है। हाँ नखरोसी कौन दे गुस्से में मैडम आज आ जाने मारा कौन सा खबर खोसी। वीरपाल इधर आओ। जी मैडम जी, आया। कल तो इस चौकी में अखबार नहीं आना चाहिए, और इस देवपाल ने अखबार ले लेके इस चौकी को कर्ज में डुबो दिया। अजी अखबार तो मैं अपने घर से ले आ, मैं ना पढ़ता चौकी का अखबार। तुम तो मेरे पे खामे खा नाराज हो रही। आज हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे मैडम जी, देवपाल आज घर से लाया अखबार। तू क्यों इसकी नीची होने दे, तू भी ऐसा ही है। अजी मैडम जी, ये तो बात तुम सही कहो, हम दोनों भाइयों में प्यार ही घना, जैसा यू ऐसा ही मैं। देवपाल कैसी कही? जैसी दूध में दही। हाँ दूध दही से याद आया, चार कप चाय मंगवा लो गरम गरम दूध की। वीरपाल। हाँ देवपाल। लगा चावल को फोन। मेरे फोन मना रुपए है। अच्छा भाई वीरपाल, और यह हालत कर दी बहू ने। रुक जा तू भी कुछ दिन, तेरा भी रहा बैठ जाएगा। देख भाई वीरपाल, डरावे तो है ना, रही बात चाय की, चाय मैं मंगवा दूंगा ही भी। हेलो हेलो। हाँ अरे भाई चाय वाले। हाँ जी। चौकी में तीन चाय भिजवा दे, मलाई मार के बढ़िया सी, और गरम गरम भिजवा दे, कदर रस्ते में ही ठंडी हो जा, मैडम नाराज हो जाएगी, ठंडी चाय ना पी जाती। भिजवा दे, जल्दी भिजवा दे। ठीक है जी, अभी भेज रहा। अब तो ठीक है। चौकी में चाय दे के आनी, जेल में मैं भी चलू, चला जाएगा केला। उस्ताद जी तो चाय दे दियो, बढ़िया नहीं बन जाएगा मारा तेला। अरे मैं जा रहा केला। मैडम चाय पी के कुछ तो नरमावेगी। यो ना नरमावे। लो जी दूध मलाई वाली चाय। अरे भाई छोटू यार, तू भी कमाल का आदमी है, मलाई वाली चाय ले आया ना। मलाई वाली मैडम पी के खुश हो जाएगी, और तू जा। या मैडम जाती, एक काम करेंगे, इस मैडम वाली चाय को अधी तू पी लिए और अधी मैं पी लूंगा, मजा ही ना आ जाएगा। कह तो तू सही रहा। अरे मैं तो सारी सही कहूं भाई। वीरपाल कई दिन होता है, तेरी भाभी की बहुत याद आ रही, बस घनी आ रही नू मान ले, और नू नहीं पता यार या मैडम छुट्टी कुक कर देगी। देवपाल मैडम तो बोल दे बहुत है मिलन जाना। वीरपाल तेरी बात समझ रहा वे, तू मैडम पे मेरे कान लाल करवाने सोच रहा है कि नहीं नहीं? फिर भाई छुट्टी लेने का के बहाना लगाओगा तू वीरपाल। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अजय मजा रपट लिखवाने जी। हैं? के रपट लिखवानी ते जाए? अजय एक हफ्ते में तो हम फैक्ट्री में तो आवे जी, बहु कह के जरूर आना, रोज आना आके के काम चले हमारे पे जी।
देवपाल जी जी इसकी यो हालत हैगी मारा के होगा हमें तो एक एक महीना हो जा घर जाऊ भी। अरे देवपाल भाई अगर तुझे तो एक एक महीना हो जा आगे का जीवन रणवोगी राल काट रहे हम अब पता नहीं है मैडम किसी मैडम है अब छुट्टी ना देती ना भाई भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता तू जा अरे भाई सुन रहे तू तो जा और हमें हमारे हाल पर छोड़ दे बताओ भाई यू 8 दिन में ही तंग हो रहा और यहाँ मैडम हमें एक एक महीने लो तो छुट्टी के बारे में बात ही नहीं करने देती बता देवपाल भाई तू थोड़ा सा सबर कर अरे सबर के करूं वीरपाल वो तेरा कर लिया सबर पर मुझे ऐसा लगा एक दिन यू सबर टूट का ठीक है ये अजय मुखबर पुलिस का जिसने मेरी जानकारी सारी पुलिस को दी अरे तुझे मारे पर दान का डर बहरा आने कुछ भी तुझे यू नहीं पता हमने कितने मर्डर कर रखे तुमने नहीं मन्ने हाँ जी तुमने प्रधान जी तुझे यू नहीं पता प्रधान जी ने कितने मर्डर कर रखे नहीं भाई बता इसे बता बता इसे भाई बता 14 फुटा रोड पर तो हसीना का मारा और महिलाल का गुड्डू घेर में मारा और समदीन का बुड्ढा नहर पर मारा और यू चौथा नंबर तेरा और यू फांसी का फंदा मेरा थावड़े लटकाओ इसे ठाओ इसे ठाओ खालो से फांसी साला यू बना था मारा मुखबर कटी रेड मारी मुखबरी करा था तू तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा अरे मैं अखबार में मल्लिका सरबत का फोटो देख रहा तुझे दिख नहीं रहा मल्लिका सरबत नहीं हो मल्लिका सहरावत है तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा क्यों तू कुछ कम बोल रहा आन दे मैडम को सारी बात बताम्मा अरे वो कहा आन दे अब अगर मैडम जितनी मेरी बात मान ले तेरी कदी नहीं मान सकती चौकी में अब मेरा हिसाब किताब अब ठीक है समझ गया अब नहीं समझा ओहो अपनी गलत फहमी का गरारा करना छोड़ दे भाई वीरपाल तू भी इस मैडम की दादाजी हजूरी करे इतना ठीक ना होता यार उधर हमारी परेशानी इधर इसकी परेशानी वहां घर वाली हमें तंग करे इंगे या तंग करे भाई देवपाल हमें नौकरी करनी है अरे नौकरी तो करनी पर ऐसी गुलामी भी ठीक ना होती अरे यार हद कर रहा तू भी भाई देवपाल मैडम गरम जरूर है पर वह मन की साफ है बस तू कह ले मैं तो कहता ना अरे ये क्या रोड़ा रुक्का कर रखा है ना नाना जी मैडम जी कुछ नहीं हम तो वैसे ही बात सीधे कर रहे थे ये भी बात कर रहा था अब मैं भी बात कर रहा था ऐसी बात कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो हाँ। चलो कोई बात नहीं We'll be right back.
मैं थारा नवा चौकी इंचार्ज नदीम तलपड़े। नदी में गिर पड़े सर? कौन सी नदी में गिर पड़े? ना ना नहीं, गिर पड़े नहीं, नदीम तल पड़े। सोना नाम है जी, बढ़िया लगा। मैडम, जो हमारे चौकी के क्षेत्र के जितने क्रिमिनल गुंडे लफंगे आदमी हैं, मुझे उन सारों की फाइल चाहिए। जो सही है उसके साथ सही रहो, जो गलत है उसके साथ सख्ती से बर्ताव करो। ठीक है सर, मैं आज सबकी फाइल दे दूंगी। भाई वीरपाल, यू क्रिमिनल के साथ साथ मारा तेरा भी राह बन दगा, ऐसा लगा है। हाँ यार, अब तो ही शुरू हो गया, घना करड़ा सा लगे। अजी मुझे एक रपट लिखवानी। क्या लिखवानी है जी? एक रपट लिखवानी। क्या रपट लिखवानी है जी? मेरा घर वालों ने जी ना आराम कर रखा जी मेरा जी, मैं अलग होना चाहूँ जी, घर वाले अलग नहीं होते जी। इधर आओ, हाथ नीचा करो। देख भाई, जिसके पास परिवार नहीं होता उस तक पूछो परिवार की क्या अहमियत हो। और जहां दो बर्तन हो गए वहां खड़को तो हो गई, अग्नि मानते इस बात को? जी जी, बात कुछ अलग है जी। भाई, परिवार की कोई बात अलग नहीं होती, सबकी सेम कहानी हो, समझ रहे हैं ना इस बात को तू? जी सर। चाहे तो तू उनके माहौल में ढल जा या उन्हें अपने माहौल में डाल ले, परिवार में रहने के लिए सिर्फ एक यही तरीका है। अगर परिवार से दूर रहूंगे तो हमेशा आपको दर दर ठोकरे मिलेगी। जिसके साथ परिवार है वही इस जिंदगी में और इस दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अभी तेरी लिखने पढ़ने की उम्र है कि कौन सी क्लास में पढ़ता है? जी 11th क्लास में पढ़ू जी। 11th में? तो 11th में ही तू परिवार से अलग होने की सोच रहा है। अभी ध्यान से अपने स्कूल की तैयारी करो, पढ़ाई की तैयारी करो, आगे बढ़ते होने की तैयारी करो। अलग होने का एक आबादी का बात नहीं सोचना है, समझ रहा है ना तू? पक्का? खा कसम। कसम खाता हूँ जी। हाँ ठीक है, चलो आराम से पढ़ो और लिखो, और परिवार तक कभी नहीं सोचनी ये चीज़ अलग होने की। ठीक है जी। हाँ चलो ठीक है, ध्यान से अपना पढ़ाई वढ़ाई करना। ठीक है जी। चलो इब की बार हमें प्रधान चुनाव जीतना, इसके लिए चाहे हमें गांव गुआंड में कितने भी लड़ाई झगड़े करवाने हो। प्रधान जी, हम हर तरीके से तैयार हैं, आप जुकर बोलोगे हम उकर करेंगे। प्रधान जी, पुलिस चौकी में नवा इंचार्ज आया जी, ज्यादा ही भयंकर बतहरे जी। यहाँ तो बड़े बड़े इंचार्ज हो गए चले गए, उन पे कुछ नहीं बिगड़ा। यह बात प्रधान जी तुम बिल्कुल सही कह रहे। ये उत्तर प्रदेश के प्रधान का चुनाव है, किसी विधायक के चुनाव तक कम ना होते। अजी नु तुम्हारे प्रधान जी किसी विधायक तक कम को ना। जो समझता है उसे समझाओ, और जो नहीं समझता उसे हमारे हिसाब से समझाओ। ठीक है प्रधान जी। ठीक है प्रधान जी। राम राम। अच्छा जी, राम राम। ठीक है, राम राम भाई, राम राम। ठीक है ठीक है, आते हैं। सर, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, गांव में दारू और पैसे का लेन देन कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ठीक है, चलो गश पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा क्या नहीं गांव में। जालिए जालिए, अब एक बात बताऊं, आगे जाके हाथ में हाथ भी गिर सके।
ठीक हो गया। एक बात बताऊंगा आपको, ये बाहर जाकर जो बात करे ना, ये बाहर जाकर पता क्या कर रहा है, ये बाहर जाके लड्डू लड्डू कर रहा है। तुझे कैसा लगे देवपाल? अगर पिछवाड़ा लाल करने तक बचना ना तो चुप हो जा। अरे दीवारों के भी कान हो। अरे मैं कहा बोलू, और मैं तो चुप ही रहूं, और सुन तो सही, बोलन को तो ये तो नहीं बते रे। हमें कहा बोलन दे, मुझे ना तो तू बोलन देता ना वहां मैडम बोलन देती। चलो वे तो जा लिए, आ माँ बैठ कर तू बीड़ी पी लिए, और मैं तुझे मैडम की बात बताऊंगा वहां सारी। चल चल आ, चल चल। अरे राम चलाए। अरे बीरपाल। हाँ देवपाल। एक सिगरेट पिया दे। भाई देवपाल सिगरेट तो मेरे पे है नहीं, मैं पल्ले का तो लाया था, बीड़ी का मंडल वो पड़ा वो लगा ले। अरे तू भी यार एकदम जो है धरती में ही टिक रहा, चल बीड़ी लगा ले, दो घूंट मार लेंगे। सिलगा ले सिलगा ले। अरे बीरपाल। हाँ भाई। अरे कम से कम सिगरेट तो रखा कर, तू या बीड़ी ले उपरा। अरे भाई जो मजा बीड़ी में वो सिगरेट में कहा ले, तू पी और मुझे भी पीने दे। अरे बीरपाल एक बात बताऊं, यहाँ तेरे गुड्डे टिक रहे और यहाँ मेरे भी टिक रहे, एक बात बताऊं मैं, इसमें दो घूंट मार तो ही। अरे देवपाल जब तेरे पे बीड़ी पी ना जाती तू लगा के क्यों बैठक रहे? अरे यही बात मुझे घरवाली कह, मैं तेरी सुनो को उसकी सुनो, पर एक बात बताऊं मैं, ऐ बीरपाल भाई याद बहुत आवे है, याद तो मेरे भी आवे। हाँ अरे एक बात बताऊं, दो घूंटी इसमें मारती ही तो और मैं पहुंच जाऊं घर, और मुझे याद आवे घरवाली है, और तू जो है मेरी बिल्कुल छुट्टी दुआता नहीं, मुझे तू इस मैडम से छुट्टी दुआ दे। चल भाई कोशिश करूंगा तेरी देवपाल, करूंगा। हाँ ठीक है कोशिश करिए। अरे ये तो चली ना, ये तो जो है तेरे कैसी बीड़ी, किसके तो ले आ तू ये बीड़ी? अरे पल्ला नहीं आया कहो? अरे कहे की पल्ला और कहे का वो फुलाना? अरे मैं तो 10 रुपए भी नगद दे के आया उसे। तू दे आया उसे 20, और तू बता मुझे छुट्टी दुआ होगा कि नहीं? भाई मैं सिफारिश तो कर सकू, देख छुट्टी देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा। मका दरोगा सकत आ रहा, बड़ा सकत हो, सकत को भी देखूंगा सस्पेंड कर देगा। मैं उनको मेरी घरवाली पे सकत नहीं है, आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे खर्चे तो भी दुखी हो जाएंगे। देख के जाएगी खर्चा पर्चा सब मैडम पता कर लूंगा मैं। ऐसी है क्या? ओ, ऐसी है। तो मुझे बता दो रास्ता कौन सा जो मैडम पद ले ले ना, तुझे नहीं बताऊं, तेरी भी बुझगी थी क्या? हाँ अब बुझती है तो और के, मुझे तो पता है 2 दिन में तेरे भी दाने हो लेंगे, पर एक बात बताऊं। बता दे। छुट्टी का जुगाड़ भिड़वा दे, और नहीं तो यो जो है यो देवपाल चला। कहाँ? कहाँ के जाता मैं, वही जमा घरवाली के दौरे संभाल लिए, जो कुछ भी तुझे संभालना, तेरी दावत पक्की। यो वीरपाल सब जाने, यो कहीं नहीं जाने का, यो घूम फिर के वीरपाल दौरे आवागा। दहशत घनी हो रही दिखे बाबी की। हाँ हेलो। हाँ अरे तेरा फोन आ गया, बता यार मैडम छुट्टी तो देना ही रही। अरे तेरा तो जी कर रहा, जी तो मेरा भी कर रहा घर आने को, और बता क्या करूं इस मैडम से, लड़ूं क्या? हाँ देख रहा मैं, कोशिश कर रहा। हाँ हाँ क्या तो रहा, आ जाने मैडम को फिर लड़ूंगा मैं, इससे काट दो। हम पुलिस कर्मचारी, हम पुलिस कर्मचारी, हम पुलिस कर्मचारी, हम पुलिस कर्मचारी,
मन बरसी नहीं छुट्टी मिलती है, मन मर्जी नहीं छुट्टी मिलती, हुक्म है सरकारी, हम पुलिस कर्मचारी, हम पुलिस कर्मचारी, हम पुलिस कर्मचारी, हम पुलिस कर्मचारी। घर में बीवी राह देखती कब छुट्टी आवेंगे, कर सोलह श्रृंगार बैठी हम कद सी जावेंगे, हे भगवान मिला दे हमको, हे भगवान मिला दे हमको, याद करे बहुमारी, हम पुलिस कर्मचारी, हम पुलिस कर्मचारी, हम पुलिस कर्मचारी, हम पुलिस कर्मचारी। बटली है तो सारी की सारी बटली। हाँ भाई बटली गली में होगी सारी। हाँ भाई सोमपाल आ जा। ले भाई प्रधान जी ने भेजी है जी तारे साला कहीं वोट गेरी गया, हमारा भी ध्यान रखियो। हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई चलो 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 चलो, पूरे गांव में बटकी यो ही कर रहे रहा बस। रख काले ओ काले रस सुना के। हाँ भाई क्या बात है? रा बात के होती रे, बोतल प्रधान जी ने भेजी तेरे नाम की दारू तो की। ठीक है गोर्दन फिर ध्यान रखे लेते खोल ले। ठीक है और वोट पक गया भाई? ठीक है भाई काले, ध्यान रखे मेरे प्रधान जी का। ठीक है आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई। कैसी दिखती है वो? कुछ आपके जैसी। ओहो हमारे जैसी? मजाक कर रहा हूँ, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। तुम्हारी हो गई शादी? नहीं। गुड। गुड क्यों बोला? बस ऐसे ही। एक बात बोलूं? हाँ बोल लो। आप ना मुझे बहुत अच्छे लगते हो। फिर बात आगे बढ़ाए। हाँ प्रवीरपाल। हाँ देवपाल। यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, यहाँ कुछ हो रहा। एक बार देख सामोज ले रे भीतर। यार कह तो तू सही रहा, चल इनकी मस्ती आराम करेंगे। हाँ मस्ती आराम के करेंगे, चल इन्हें नहरे नहरे करेंगे। यार कदी साहब नाराज हो जा। अरे कुछ नहीं होने का, चल तू डराया मत ना, चल चल। साहब यहाँ कुछ नहीं है, चलो चौकी में ही चलो। ठीक है चलो बैठो।
प्रधान जी गांव में जगह जगह पुलिस रहने लगी। हमें दिखे ये ना बटन था दारू। प्रधान जी एक बार थम इशारा कर दो, पुलिस का तो आवेंदगे हम। अर्जी नु तो यू भी सही कह रहा, पास वाले गांव में झगड़ा करवा कर पुलिस कूट जाता गे। फिर हम दारू और पैसा खूब आराम तो बंटेगे जी। कह दो तो हम ठीक रहे, पहले ही मारे हाथों से तेने कांड हो रहे, तब मैं चला गया और करवाओ दिखो। तुम एक काम करो, चौकी में जाओ, नुको प्रधान जी ने भेजा, और चुनावी माहौल चल रहा अभी, प्रधानी के इलेक्शन है, और इतना अपना तम चौकी में रहकर आराम करो, प्रधान खुद अपने आप हैंडल कर लेगा सारी चीज। ठीक है भाई, जाओ तुम। राम राम जी। बोलो क्या बात है। अजी हमें प्रधान जी ने भेजे, गांव में चुनाव का माहौल चल रहा, आपको आने की जरूरत नहीं है गांव में, गांव की जिम्मेदारी हमारे प्रधान जी की, आप यहीं रहकर आराम करो। अजी उन्होंने नुभी कहा कि तुम्हें गश्त करने के गांव में जरूरत नहीं जी। कौन है ये प्रधान? ये इस क्षेत्र के गुंडे हैं जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। ओए हेलो, उस प्रधान को बोलिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस है, आज के बाद अगर क्षेत्र में कुछ गुंडागर्दी करते अगर दिखाई दिए ना, तो थारा प्रधानी का चुनाव थारे पिछवाड़े को मैं काट दूंगा, समझ रहा है ना? चल दफा हो जा मेरी नजरों के सामने थे, चल बाहर निकल चौकी था बाहर भाग। ई भोली थारी गणी बेच थी, अब निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो। मैडम मुझे जितने क्षेत्र गुंडे हैं ना, तुम इन सब की फाइल दे दो और फोटो सहित। मैं इनका सौरों का जितने क्षेत्र में एरे गेरे है, मैं करने वाले टटकुंजे गुंडे हैं ना, कुत्तों की तरीके से भागे फिर रहे, कोई भी आ जाता मुंह उठा के चौंकी मैं फलाना का आदमी। मैं इनका सालों का सौरों का रावण, मुझे आज ही निकाल कर दो फाइल। भाई अब पता नहीं क्या होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा। भाई ये जो प्रधान है ना, इस प्रधान की शक्ल तो घनी गुंडी है बस। गुंडी देवपाल, इसकी तो शक्ल गुंडी मजे नहीं लगे। अरे जो होगा देखा जाएगा, पर तू अपना दिल कमजोर ना करे। अरे टोपी पड़ी कोई लामो मीठा करवा दे। ले भाई सुखी राम तू भी ले, एक दुखी राम को भी दे दे। ले भाई तू भी खा, ला एक मजे दे। ले भाई एक तू खा। भाई वीरपाल इसे छोल के खा, अपनी भी खा लो। इसे छोल के खा, घरों भी जाना। अरे खुल जा खुल जा। खुलगी वाला हो जाए, चिपका पड़ा सारा सामान। दुखी राम जी तेरी भी खुली कि नहीं खुली? खुलेगी जी। कितनी खुली थी? पूरी खुली। सुखी राम तेरी भी खुली कि नहीं? अरे आंख और के। अरे 30,000 रुपए इस पर रे भाई, कह रहा था देने को 2 दिन में, आज ले यू भी ना आया भाई, के बात है। चलो।
प्रधान जी पुलिस चौकी वालों को थारा डर भय बिल्कुल खत्म होगा जी। इब तो मनो लग रहा जी धूम में बैठे ही मरना पड़ेगा। अरे के बात होगी, बात तो बता। वो नया पुलिस चौकी इंचार्ज नु कह रहा प्रधान की प्रधानी उसके पिछवाड़े में काट देगा। ओए गाड़ी काटो, उस चौकी इंचार्ज का राह बांध कम है। प्रधान जी दिमाग तक काम लो, चुनाव नजदीक है, खेल खराब हो जाएगा। अजीत हमें जेल में डाल दिया तो? अरे तब मेरा हौसला तोड़ रहे या मुझे समझा रहे? अजीत हम मारी बात मान लो, एक बार चुनाव हो जान दो, और चुनाव होने के बाद फिर इनका हम राह बांध देंगे। तू ठीक कह रहा, एक बार इलेक्शन हो जान दे फिर बांधुआ मैं उनका राह। वीरपाल देखिए रजिस्टर भरा पड़ा, इसमें इतने इतने अपराध लिखे जा रहे हैं, क्या होगा इस इलाके का? जैन मैम, जैन मैम, जैन बैठ जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद, आओ बैठो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। अच्छा मेरे लिए खाना लाए बना के? अपने हाथों तो ही बनाई है, कहीं डब्बे पब्बे तक खरीद कर लिया आई? अपने हाथों से बना कर लाई हूँ आपके लिए। अच्छा अच्छा, ये सुबह सुबह नाश्ते में अचार है, वाह वाह वाह। हमेशा ऐसे ही खाऊंगी अपने हाथों का खाना, हमेशा बनाकर खिलाऊंगी अपने हाथों से। हेलो। ठीक है मैं आती हूँ, आज इसे ही ठीक करते हैं। ठीक है पहुंच रही हूँ मैं। अरे तू खराब, पानी लेके अंदर था भाई। यो साला प्रधान गांव में खुला दारू और पैसा बांट रहा है, अब भी चल के इसका राह बांध के आते हैं। ठीक है चलो चलते हैं। साले के आज इसके पिछवाड़े में कू बियर का ढक्कन ना काट दिया, दारू का ढक्कन ना काट दिया, मेरा नाम भी नदीम तल पड़े नहीं। दुखिराम हम थोड़ा गश्त पे जा रहे हैं, चुंकी का ख्याल रखना ठीक है? हाँ ओहो हाँ। आओ मैडम, कैसे आना हुआ? कुर्सी लाओ रहे मैडम के लिए? नहीं बैठना है, मैं ये कहने आई हूँ, मुझे कहीं से खबर लगी है कि आप लोग दारू और पैसे का लेन देन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो मानव जाति के लिए ठीक नहीं है। ओए हेलो, ये तेरे लिए भी नुकसानदायक होने वाला है। जहाँ जिन्हें आदमी का राह बांधा वहाँ थोड़ा भी सही। जिम में तेरा राह बंधु ना, मैं जाना पड़े किसी सबूत की जरूरत, समझ रहा है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। अपना ख्याल रखना मैडम। ओए जग्गू, तावले मिलेंगे। ये पुलिस वाला मेरा नाम कैसे जानता है?
हाँ हेलो, हाँ मैनू कहो आ तू टेंशन ना ले, आ देखियो वीरपाल भी तो मेरे दौरे ही खड़िया और मैं बहुत जल्दी आऊंगा, तू टेंशन ना ले। ठीक है तो काट दो फोन। अच्छा अच्छा ठीक है। देवपाल भाई फोन पे बात करके कुछ संतुष्टि सी मिली क्या? हाँ अरे कुछ फर्क सा तो लग्या, और अब तो गणिराज जी बोल रही थी। देवपाल मुझे अपना दुख नहीं, तेरी नई नई शादी हुई और बहू घर में अकेली। अरे ओ वीरपाल मुंह संभाल क्या बोलिए, मेरी बहू आंखों में एक है और तेरी बहू तो घनी बढ़िया, जो उसकी तरफ आंख उठा के देख लेगा मैं उसकी आंख में जो डंडा घुसेड़ दूंगा। नुकन हुई। देवपाल यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो बनाई छोम आ गया। मजाक कर रहा था? अरे मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। ला चल इसी बात पे एक टॉपिक होगा। अरे खोल के दे दे, मेरे पे खोलनी नाती। ले अभी तो घड़े छो मारता, अब नु क्या खोलनी नाती। अरे दे दे। ले भाई वाह क्या बात है। अरे खुल जा। वीरपाल तू भी लेके। एक बात बता जी। कितना प्यार करती हो? बहुत ज्यादा, आपसे भी ज्यादा। सच्ची? हाँ सच्ची। अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती मारे तो होगी, माफ तो कर दोगी ना? आपसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं जी साल मर अम्मा रे लगी जी। बिल्कुल। एक बात और बता, अगर मैं पुलिस मना होता तो फिर भी मेरे साथ प्यार करती? मुझे आपकी नौकरी से प्यार नहीं है, आपसे है। सद्दी का क्या प्रोग्राम है, कब करेगी? जब आपकी मर्जी। ये पुलिस वाला वाला जो भी है, मेरे बारे में सब जाने, या तो कोई मारे ग्रुप में गद्दार है, समझे? तो कोई गद्दार है, लो पी लो। तुम प्रधान जी तुमने घनी पी ली, और जाके सो जाओ आराम से। तुम भी जाओ सो जाओ, मैं भी जाके सोता हूँ। पुलिस मुझे कैसे जाने, कौन है इसके बारे में आप? अरे देवपाल जी, सर नहीं आए क्या अभी तक? अभी तक तो नहीं आए सर। फोन भी बंद है उनका। चलो कोई बात नहीं, आओ हम चलते हैं।
डर तो मुझे भी लग रहा, पता नहीं के करवा कर रहेगी, और आज तो सर भी ना है। क्या गुटर पुटर कर रहे हो, जल्दी आओ। अरे जी अरे जी अरे जी अरे जी अरे जी अरे जी देवपाल जी, तुम दोनों इधर जाओ, मैं उधर जाती हूँ। यार ये इतनी गोली क्यों चला रहा है? कौन है तू? मतलब तुझे यू टेम मिला के मजाक करने का? सच बता कौन है तू, नहीं तो गोली मार दूंगी। और गोली चलाने का ऑर्डर कहाँ से मिला तुम्हें? मतलब मैं चौकी इंचार्ज हूँ, मुझे गोली चलाने के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। सच बता कौन है तू? मैं बताऊंगा ये कौन है। ये पुलिस वाला नहीं, असली पुलिस वाला मैं हूँ। अब ये मुझे दे दे। तो ये सारे मुकदमों की एक फाइल बना लीजिए आप लोग। जितने भी 302 के अपराधी हैं उनको जो है जल्द गिरफ्तार किया जाए। ठीक है सर। हमारे क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। जी हाँ। कोई भी अपराधी सर ना उठा पाए। ठीक है सर। इस फाइलों को मेंटेन करें ताकि इन पर कार्रवाई की जाए और आला अधिकारियों के जो भी निर्देश हैं उनको पालन किया जाए। ठीक है। पुलिस की ऐसी ड्यूटी रहनी चाहिए, अपनी ड्यूटी पर हमेशा तैनात रहें ताकि अपराधी आप लोगों से डरता रहे। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, इस प्यार की मुझको क्या कदर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं। राम राम जी, दरोगा जी, राम राम। हाँ जी। ओए जहाँ था वहीं खड़ा रहे, समझा? ओए वो मतलब डर गया, वो मतलब डर गया, ओए भाई मतलब डर गया। ए यहाँ नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ए पुलिस, एक मिनट में तुम्हारा सबका ट्रांसफर करा सकता हूँ, समझ गए? पर अभी तो मुझे थारे साथ कुछ खेल कूद भी तो करनी। अगर ज्यादा बकवास करी तो मारे आदमी पे ताबड़तोड़ गोली चला के तुम हीरो माने अपने आप को? ए तुम्हारे आदमियों पर गोली पुलिस ने नहीं चलाई है, जिसने गोली चलाई है वो अंदर चौकी में बंद है, समझा? हे दरोगा, ये कुत्ते बिल्ली का खेल हमने सिखावे? यूलो हमने ये तो खेल खेल ले और करे की हमने।
ओ प्रधान, मिनट पहले चौकी से बाहर निकल जा, वरना भित्तर डाल के तेरी सारी प्रधानी काट दूंगी। कोई बात नहीं, तेरे अरमान भी पूरे करेंगे हम मैडम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, ध्यान रखिए। मैं एक दो सिपाही लेकर गश्त पे जा रहा हूँ, तुम इस हरामखोर का ध्यान रखना। ठीक है सर। चलिए हमारी साथ। सब करके एक औरत का दिल तोड़ा है, तन्ने मुझे तो धोखा दिया ही और खुद को भी दे रहा है। बहरा है क्या जो तुझे सुन नहीं रहा? मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? सुन तो रहा हूं। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सुनना चाहती हो? मेरा नाम आर्यन है, मैं बलवा गांव के एक किसान का बेटा हूँ। उस गांव में एक बिना माँ बाप के एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त था। के बात कहेंगी, टेंशन में बैठा रहा तू? यार मेरा भी जीनू करे, मैं भी पढ़ाई करूं और भर्ती की तैयारी करूं। साली किस्मत ही खराब है, माँ बाप के साथ साथ सपने भी चले गए। ओ भुंडी सकल, तू पढ़ना चाह रहा के? मैं पढ़ाऊंगा तुझे, मैं करवाऊंगा तेरा एडमिशन, समझ रहा? पर देख भाई, सदमा भरी तो बात ना कर दिए बिल्कुल भी, और आज के बाद मेरे सामने तो करीना दिए। यार तू मुझे रोटी खुआ दे, यही बहुत बड़ी बात है। जो भी चीज मेरी है ना, वो सब तेरी है, तेरा पूरा पूरा हक है सारी चीजों पे। अरे नू ओकरे के भाई, ये भोजा तू चुप, बसरी पर लगा नहीं तो खींच के देख, वो खड़ी मारी गड्डी, ये भी चलेंगे एडमिशन करान, चल। ले भाई। अरे यार एकदम तू ही नहीं लिया पड़ रहा। ओ तावला सा आजा, मास्टर स्कूल बंद करके चले जाएंगे नहीं तो। ले भाई चलना पड़ेगा। हाँ चल भाई। ले भाई बसंती, तू भी हो ले स्टार्ट। है होगी बसंती। अरे ठीक तो बैठ तो लिया होगा। हाँ मैं तो ठीक तो बैठ ले, बस तुझे ठीक तो चला लिए। दोस्ती हमने ही
तोड़ेंगे तोड़ेंगे मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। गिर गई, टूट गई थी। अरे यार ये तो टूट गई थी भाई। यार भाई कुकर चला रहा। अरे चला तो सही रहा यार, ये तो दोस्ती भी टूट जाती। अरे नीचे बैठ जा, स्कूल आ लग रहा है नजदीक। आ लिया स्कूल। हां है स्कूल यार। अरे यू आ तो गई, पास में तो स्कूल है भाई। ले आज तेरा विरा बन देंगे, तू भी फौजी बनिए। आ लिए स्कूल के पास यार, हम तो टेंशन ना ले। हाँ अरे कहाँ रहेगा स्कूल यार? अरे यू पास में तो स्कूल रहेगा यार, तभी अंधी थार दी। कहाँ रहेगा स्कूल, कहाँ रहेगा स्कूल? यू आ लिया स्कूल के भी नहीं आ रहे। आ गया, आ गया, बस आ गया। आ गया, आ गया। स्कूल भी आ गया यार। ले उतर भाई, तेरा स्कूल भी आ गया। आ जा। के बात भाई? अरे प्रिंसिपल साहब तो मिलना भाई। क्या काम है? एडमिशन करवाना। वो रहा उधर ऑफिस। अच्छा यहाँ इंगगो है के? आ जा भाई आरिफ, डरिए ना बिल्कुल भी। चल भाई तुझे जरूरत नहीं है डरने की। हैं? अरे तेरा भाई तेरे साथ है यार, मैं तेरा एडमिशन करवाऊंगा। रुक जा तू। कहाँ को है मास्टर? हाँ यू है दिखे ऑफिस। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते, क्या काम था? नाम चढ़वाना जी भाई का। कौन सी कक्षा में दाखला कराना? नौवीं में करवाना जी। आठवीं में चौखे नंबर आ गए थे जी मेरे। अरे तू चुप हो जा जी, मैं बोल रहा हूँ। सोमवार को आना, हो जाएगा दाखिला। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते जी, ठीक है। एडमिशन तो होगा है? तू रोक इस जाज को। अरे रोक तो दे, मैं बात बता की होगी। नहीं तू इस जाज को रोक। ले रोक दिया, बता के बात है। तू मास्टर का क्या गणासा नहीं बोल रहा था? रे गणासा बोल रहा था मैं? कहाँ गणासा बोल रहा था? ना मास्टर का क्या नूनी क्या? अब तू चुप हो जा। ओहो मतलब इस बात पर नाराज है तू? कमाल का यार तू भी यार। अरे छोटी सी बात का तभी पतंगड़ी बना दिया। छोटी सी बात है या बहुत बड़ी बात है या? अरे मूड नहीं खराब करा करते, बैठ 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 चल। अरे मैं बैठता, मूड हो रहा है घना खराब। यू मूड नु बता कुका ठीक होगा? इब तो यू अमरूद खा के ठीक होवेगा। क्यों, अमरूद दवा है इस मूड की? हाँ दवा है जी भी। तो अभी यह दवा कहाँ था मिलेगी भाई? यहाँ तो आसपास के अमरूद वाला भी भट्टे पर थोड़े खड़े अमरूद वाले। अरे भट्टा यहाँ तो 2 किलोमीटर दूर है। छे चार हो ये मूड तो अमरूद खा के ठीक होवेगा। चल भाई तुझे यह दवा भी दवाऊंगे, तेरा भी मूड ठीक करना जरूरी। बैठ चल। पर यू हाजी पता लगा मूड खराब होने की दवा अमरूद हो है? ले बैठ। चल भाई चल मूड ठीक करेंगे। आराम तो चला ले जा। अच्छा आराम तो चला रहा यार। अरे रोक रोक वो अमरूद वाला। ले भाई अमरूद वाला भी रहा। के बाद है रहा भाई अमरूद? 50 रुपए किलो जी। महंगे यार। लगा देंगे, सही लगा देंगे बाबूजी। कतेक लोगे? 1 किलो चाह हमें तो। ठीक है जी। 40 रुपए किलो लगा ले। ठीक है ले लो जी। तोल दे 1 किलो। तोल दे 1 किलो। बे बढ़िया बढ़िया तोलिए रे। बढ़िया बढ़िया मिलेंगे जी। आरिफ अमरूद तो बहुत बढ़िया, 40 रुपए में टूटा तो ना यार। ये हो जाएगा मूड ठीक अमरूद खा के। अब तू अपना मूड पूरा ठीक करिए, ज्यादा चत्ते हो बता दिए। 1 किलो में काम चल जाएगा, इनमें हो जाएगा मूड ठीक। हाँ तू मूड ठीक कर अपना। लबा मैं पैसे दे देता हूँ।
पैसे के देवे, ऊपर वाले से ऊपर जाने के बाद 40 की भी 80 देवेगा, नफे में रह जाएगा नफे में। भाई मुझे मारा तो है ना, फ्री ले जाना है फ्री ले जा। अरे ले तू टेंशन ना ले, वो मजाक कर रहा ले। अरे ले भाई मजाक भी ना करे के। अरे हम मजाक कर रहे थे भाई। बात नहीं भाई साहब, रख लेने आप बैठ, पीछे को खींच ले इस गड्डी को। भाई तू खींच ही अपना, आप खींच तू। अरे बाद में बैठ लियो तू, नीचे उतर। चल तू फिर मूड खराब करवाओगे, एक किलो लाओगे फिर तू। ना भाई मैं खींच लूंगा। हां चल तू रहने दे, तेरा मूड ठीक करने पे रहे मैं फिर में सारा दिन। ले मूड, तेरा मूड बड़ा भयंकर है भाई। भाई लोंडा बहुत बढ़िया, ये भी इसका कोई बढ़िया सी लोंडी लम्मा, इसका ब्याह करम्मा, ऐसी लोंडी का ब्याह करम्मा जो इसका जी लगा रखा हर वक्त। और हाँ नू पता लगया, अग बड़वे गांव में एक आरिफ नाम का लोंडा रहे, और 4 बीघे धरती आवे इसके नाम। प्रधान जी उस गांव में को तो हाईवे लिखने लग रहा, और 4 बीघे 4 करोड़ की जानती। और मैं नहीं तो कह रहा, जो हमने उसे मार दिया तो पैरवी करने वाला भी कोई नहीं, और जमीन मारी हो जाएगी है। प्रधान जी वो पर तो घना कह रहा, मजा आ जाएगा, करोड़वा खेल जाएंगे। प्रधान जी प्रधानी के चुनाव जीतने के बाद विधायकी की तैयारी में लग जाइयो, और सारे सपने साकार हो जाएंगे हैं। फिर तो आज टाइम से काट के दोपहरी में इस काम को कर लो। हाँ और यह बात लीक नहीं होनी चाहती। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी प्रधान जी, ठीक है जी। आरिफ तड़की 5 बजे तक आ रहे हम खेत में पानी देन, भूख लग रही घनी केड़ी, और लस्सी को जी कर रहा भाई साहब भूख में घना, रुका नहीं जा रहा भाई। भूख तो मुझे भी लग रही, जा तू जाके कुछ खाने का ले जाके, फिर मैं लाऊं कुछ घर तक रोटी राटी, लस्सी ले आऊं रोटी ले आऊं। जो तुझे लाना हो कुछ खाने का ले, तू भूख बहुत तेज लग जाएगी यानी। भाई साहब पेट में घुड़ 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 इतनी हो रही, आरिफ बता नहीं सकता भाई। भाई घुड़ घुड़ तो मेरा भी हो रही। अरे भूख में तो एक चीज देखी होगी, लस्सी और गुड़ का घना जी करे। अरे तू याद नहीं दो तू जा के लिया भाई, बहुत तेज भूख लग जाएगी नहीं। और तू बैठ यहाँ सी और मैं लाऊं, तू भी चला के लिया जाके, तड़की ते एक कप चाय में घूम रहा मैं। ले मैं जान लग रहा रोटी लेन, अरी बालू 10 मिनट में। जी सर। ये साला गुंडा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? नहीं सर। अच्छा कुछ बात होगी तो मुझे फोन कर देना, मैं गश्त पे जा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है ना? ठीक है सर। अरे बीरपाल मैडम देखी, मुझे तो कुछ दाल में काला दिखाई दे रहा। मुझे तो पहले ही पता। डॉक्टर तू तुझे पहले ही पता, इस काम में 10 साल हो गए। और मुझे देख, मुझे 35 साल हो गए। अरे हाँ तेरा ब्याह तो बोन लग रहा 4 दिन पहले, 35 साल का तजर्बा बता रहा, तेरी उम्र होगी ज्यादा 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 तो ज्यादा ज्यादा तो ज्यादा हल्ला लगा के 28 साल। अच्छा अरे छोड़ तू उम्र पुमर को यार, टोपी ले रहा ना? आज नहीं टोपी है, तनख्वाह होगी खत्म। अरे भाई तनख्वाह आई नहीं, घर तभी फोन आवे
खर्चे को। मैं आपके जज्बात समझ रही हूँ, फिर आगे बताओ क्या होया। तू अब चला जाएगा तो मैं के करूँ माँ, तू याद बहुत आएगा तो मैं के करूँ माँ। के बात है भाई, सुनसान रास्ता, नहीं गे कोई, नहीं गे कोई और न पीछे कोई। मजे तो तेरी चार बीघे धरती दिख रही। के चाह रहे तुम? हम यू चाह रहे। इसे ठाओ है, नहर में गिर गया उसे। अरे मर गया यू? मर गए जी प्रधान जी। चली से नहर में गिर गए भाई। चलो जी। चलो चलो भाई। फिर मन ने किसी तरह उस आदमी का पता करता। फिर मैं उसे मारने के लिए अरे भाई मुझे लिलोन जाना है। लिलोन किसके यहाँ जाना जी आपको? मुझे लिलोन पुलिस चौकी पर जाना है। अच्छा लिलोन पुलिस चौकी पर जाना है क्या जी? सर आपसे तो सारा ही समाज चल रहा है, हम सब आपसे ही तो है। देखिए सर आप आए, हम आपकी बहुत ही कदर करें। देखिए एक कप तो चाय पीकर जाने पड़ेगा, यू पास में तो घर है हमारा। नहीं भाई मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं 150 किलोमीटर दूर से आया हूँ। नहीं सर ये पास में तो घर है हमारा, आपको ये कप चाय तो पीकर जानी पड़ेगी। चलो अच्छा ठीक है बैठो। हाँ ठीक है मराती। चलो थोड़ा सा आ जाओ जी। इसे अपने घेर समझियो जी। अच्छा जी आ जाओ बैठो जी। लो बैठो, मैं चाय ला रहा हूँ। ठीक है मैं चाय बुला के ला दूँ। गांव वालों के ठाट चौके हैं ये लो जी। अच्छा जी अच्छा। हाँ चाय ले आता हूँ जी। गांव वाले तो बहुत अच्छा होते हैं भाई। ये
भाई हमने गांव वालों के बारे में सुना बहुत था जी, कितने अच्छे लोग होते हैं, पर आज आपके यहाँ आके देख भी लिया कितने अच्छे लोग होते हैं। अजी गांव में तो अच्छे लोग हो जी। भाई आते ही आपने इतनी अच्छी खातिर तवज्जो की है, ये तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। चाय मैंने अपने हाथों से बनाई जी। अरे वाह, मम्मी तो जा रही मम्मा के यहाँ, आज मैं अपने हाथों से बना के लाऊं और घनी बढ़िया लगेगी, पी का देखो जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो आप भी लो। हाँ हाँ मैं भी ले लेता हूँ। वास्तव में ही स्वाद है चाय में, बहुत अच्छी सुथरी चाय बनाई है आपने। पता लग जाएगा थोड़ी सी देर में चाय कैसी कैसी, नशा मिला देना पड़ जाएगा पता, साला गांव में आना कैसा। भाई चाय बहुत बढ़िया थी तुम्हारी, लेकिन मैं घनी दूर से आया हूँ तो लगता है थकान हो गई, मुझे नींद सी आ रही है, तो आप कहो तो मैं आराम कर लेता हूँ यहाँ। हाँ नहीं आराम कर लो आप, ये लो मैं इसे हाँ रख देता हूँ। नहीं नहीं आप ऐसे आराम कर लो, कोई बात नहीं, दूर से आधा घंटा एक घंटा आराम से आराम करो, कोई बात नहीं। पढ़ रहे 3 दिन तक, जब तक 3 दिन में मैं अपना काम पूरा कर कर ना आऊँ तब तक तू सुत रहे। मैंने ऐसी दवाई तेरी चाय में मिला दी पुलिस वाले कि 3 दिन तक तू आराम से सोते रहना, और मैं आराम से 3 दिन तक जिस मकसद के ले जा रहा हूँ उस मकसद को मैं करके आता हूँ। अच्छा इंगा है नदीम तल पड़े। हाँ ओहो, इस बहाने से बुलेट भी चलाने मिलेगी, बस ठीक है। अरे कहाँ तो स्टार्ट, हाँ चल बेटे नदीम तल पड़े। यार तू जो भी है आदमी जबरदस्त, मेरा भी ऐसे ही साथ देगा या धोखा दे जाएगा? अब हम दोनों मिलकर खत्म करेंगे इस कहानी को। कैसे खत्म करेंगे? मिलकर ठोकेंगे साले को, आप टेंशन मत लो और मैं चाय मंगवाती हूँ। अरे फोन दिए ठाके भाई, देखिए। अरे तो चौकी में से फोन आ रहा है मैडम का। हेलो, मैं चौकी से बोल रही हूँ, 2 कप चाय भिजवा दो। ठीक है जी, अभी भिजवा रहे 2 कप चाय। ले भाई मैं चाय बना लूं। उस्ताद जी तुमने चाय बढ़िया बनाई, इबी मैंने 2 मिनट अब बुचाई। भाई चाय दे के आ झटाझट, फिर रोटी खाएंगे दोनों फटाफट, भूख लग रही पेट में, घना ताव लाइए। लो जी दूध की बढ़िया वाली चाय। लाओ लाओ।
अरे उसका क्या, जो उसने मुझे नशा दे के भूसके कोठे में डाल दिया था। सर उसने अपने एक मजबूर दोस्त के लिए इतना किया है, वो आपको गलत लगता है? ठीक कह रहे हो वैसे तुम, शायद मैं उसकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। अरे एक वो साला प्रधान प्रधानी का चुनाव भी जीत गया। कोई बात नहीं, उसकी प्रधानी भी देखते हैं इस बार वो कैसे प्रधानी चलाता है। जी सर। ठीक है। खुद के तो मेंबर हो गया, ये हमें टेंशन कहीं की प्रधान मेरा घर का, अब तो गांव में मजे मजे लेने। तेरी पगा दौड़ कर ली, इब तो आराम से बैठ कर मजे लेंगे। अरे राजीव क्यों टेंशन ले रहा तू? अरे इब तो हम प्रधान बन गए, तेरे केस वे सर मटवा देंगे, टेंशन ले रहा बिल्कुल भी। प्रधान जी तारे आशीर्वाद तो इब तो हम भी मेंबर बन गए। हाँ खुश रहो खुश रहो। वो 4 बीघे जमीन थी बड़वे गांव में, उसमें फैक्ट्री लगवाना करते तम। अरे चुनाव खत्म, प्रधान बन गए तो और फैक्ट्री लगवाओगे जा। अजी प्रधान जी एक दो दिन में काम चलवा दो, लग जाओ बस काम पे। ठीक है ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। लक्ष्य मैम जरा इधर आना एक बार। जी सर। मैडम मैं ये कहूँ था, कई दिन से घर से फोन आ रहे हैं, बच्चों की तबीयत खराब है, मुझे घर जाना पड़ेगा। क्या हुआ बच्चों को? छोटे वाले की तबीयत खराब है, उसे बुखार है, प्लेट भी डाउन है। आप बेफिक्र होके चले जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अरे आप तो संभालते ही आ रहे हो, खैर उस प्रधान का अगर कुछ होगा तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? जी सर। अब आएगा मजा, अब बनाऊंगी से प्रधान। अरे कहाँ है सिब्बू भाई, ये सांझ को प्लांट पाजे दावत है प्रधान के डबते। हाँ जीत की खुशी की पार्टी है सांझ की, मुर्गा और दारू याद कर काजिए भाई। ठीक है भाई। अरे कपूर को फोन कर ले यार। हाँ नहीं लगा कपूर को भी कर फोन। हाँ कपूर भाई प्लांट पा जाइए, ये प्रधान की जीत की खुशी में दारू मुर्गे की पार्टी है आज सांझ की। ठीक है ठीक है भाई। लो भाई सबको हो लिया। हाँ भाई चलो भाई तो चलने की तैयारी करो। हैं चलो चलो भाई चलो। कैसे हो आप? ठीक नहीं हूँ। क्यों? अरे उन्होंने हमारा आदमी मार दिया, अरे बोलो थारे पे उसका कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है तैयार हो जा और आज इन गुंडों की कहानी खत्म करते हैं। पक्का? पक्का। ठीक है चल। बीरपाल। हाँ देवपाल। देख साहब तो जा लिए अपने मिशन पे, और हमर तू भी लग जा अपने मिशन पे। ले रहा कुछ के? अरे कुछ टोपी वोपी मीठा मुंह करने का सामान। देवपाल। हाँ भाई आज पार्ले की दुकान पर टोपी तो मिली नहीं। और ना आज मिले लोलीपॉप चुस्से। अरे कौन आज यही चुस्सेंगे? कौन ले ले चूस तू भी। हाँ यार ये तो नवा सामान लिया, मेरे वाला तो तू ही खोल देता।
तेरे पर खुलती ना आके खुलगी वो तेरा गजब कर दे और इसमें तो पकड़न का सामान भी है। हाँ। भाई वाह आ जाओगा मजा। देवपाल जोर का सामान लिया तू देवपाल ओए अरे मजा आ रहा क्या चूसने में पूरा आ रहा तुझे भी आ रहा मजा नहीं आ रहा उठ पड़े तुझे भी आना चाहिए था ये तो फिक्की सी लगे है मेरे डॉट चूस नुकर का चूस फिक्की सी लगे अबे नुकर का चूस नुकर का चूस आया नहीं आया बिल्कुल तेरा मुंह खराब बड़ा तेरा बढ़िया मेरा तो बढ़िया पाले को पैसे देकर बेकार कर दिए अरे नहीं ऐसी बात नहीं है बढ़िया मुझे तो मजा आ रहा और देख कैसे मारा मेरे आदमी को बहुत दिन हो लिए तुझे मेरे तपस्तवे तेरा बेटा माज मेरा